दौरान 3 अप्रैल से राज्य भर के सभी जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर गए हैं। हम यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, एक एक बैठा हुआ अधिकारी एक एक तहसील का प्रतिनिधित्व करता है। जो दर्जनों काम है ग्रामीणों के, वो पूरी तरह से आबादित है और हम नागपुर जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के साथ मौजूद है। एक छोटी सी मांग है इनकी, ग्रेड को लेकर और वेतन को लेकर। क्या समस्या है सर, और सरकार से क्या निवेदन? महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन पूरे महाराष्ट्र में हड़ताल पे है, इसलिए कि जो ग्रेड पे बाकी नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा 1998 में दे दिया है, तब से अभी 4300 का ग्रेड पे है। हमको 4800 की मांग है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के जो भी राजपत्रित अधिकारी, क्लास 2 अधिकारी, गढ़ब अधिकारी को 4800 का ग्रेड पे है और हमारे ऊपर अन्याय हो गया है 30 साल से। हम मांगनी हमारी लगा के रखे हैं, हर बार आश्वासन दिया जाता है केपी बख्शी समिति ने। हमारा पूरे हमारे पदाधिकारी के साथ मीटिंग करके हमने हमारे काम कितना ज़्यादा है, तो महसूल का काम सबसे हॉस्ट काम रहता है। कभी आनी बानी के टाइम में महसूल अधिकारी ही काम में आते हैं, फिर भी हमारा वेतन में तफावत है, इसलिए हम 4800 की मांग कर रहे हैं, इसलिए 3 तारीख से हम संपे हैं। सर, पहले जो है पेंशन की मांग को लेकर जो है तंत्र पूरी तरह बंद रहा, और अब जो है आप लोगों ने यलगार पुकारा है, कितना फर्क पड़ेगा सरकार को? छोटी सी मांग है, ये मांग कोई ऐसी नाजायज नहीं है, पहले से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि जैसे नायब तहसीलदार तहसीलदार लोग काम करते हैं, तो बहुत दिनों से ये प्रलंबित मांग है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो आम लोगों के काम ना रुके, इसलिए सरकार ने जल्द से जल्द हमारी जो ये मांगनी है, ये छोटी सी मांग है, ये पूरी करें, बस इतना है हमारे। ये लगातार अगर ये जो हड़ताल और चलती रही तो ग्रामीण जो जनता है उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा भुगतनी पड़ेगी, ऐसा नहीं लगता? हाँ, जनता को तो पीड़ा होगी, इसके लिए हम माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन हमारी जो मांग है वो अनेक दिनों से प्रलंबित है, बस उससे जल्द से जल्द उसका निपटारा करें, यही हमारी सरकार से। साफ तौर पर हमने देखा नागपुर विभाग के जो है सारे अधिकारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार है, छोटी सी मांग जो ग्रेड और वेतन को बढ़ाने को लेकर है, लेकिन इस मांग और इस हड़ताल के चलते जो है ग्रामीण इलाके की जनता पूरी तरह से हलकान है, और बेहद ज़रूरी है सरकार द्वारा इस विषय को देखकर इसका कोई न कोई तोड़ निकालना। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।